सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने चैनल में जिसका नाम है स्टडी आईएएस। और हम वापस आ गए हैं आपके लिए पीआईबी का मसाला लेकर। तो आज डेट है 12th ऑफ अगस्त 2017 और आज बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन बिल्कुल नहीं आई है, तो जितनी भी है जल्दी से फास्ट फॉरवर्ड में देखते हैं कि क्या क्या है। बढ़ते हैं मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन की तरफ। तो जो उत्तर प्रदेश के सीएम है योगी आदित्यनाथ, उन्होंने अनाउंस किया है कि उत्तर प्रदेश को फुल्ली ओपन डेफिकेशन फ्री बना देंगे 2018 तक। तो ये सारी बात हुई जो एक सम्मेलन हो रहा था जिसका नाम है गंगा ग्राम सम्मेलन नैनी अलाहाबाद में, जो कि अंडर आता है नमामि गंगे इनिशिएटिव के, उसके अंदर जब ये पहुंचे थे उन्होंने ये बात कही। इस सम्मेलन के अंदर ये अनाउंस किया गया कि जितनी भी 4480 विलेजेस हैं ऑन द बैंक ऑफ रिवर गंगा इन 52 डिस्ट्रिक्ट्स एंड 5 स्टेट्स जिनके अंदर से गंगा रिवर पास करती है, उनको ओपन डेफिकेशन फ्री अनाउंस कर दिया गया है। इन्होंने मिलकर एक नया इनिशिएटिव लॉन्च किया जिसका नाम है मॉडल गंगा ग्राम इनिशिएटिव, जिसके अंदर 24 नमामि गंगे विलेजेस को फर्स्ट फेज में अनाउंस किया है कि उन्हें एक आदर्श गंगा ग्राम के रूप में माना जाएगा। सो दिस गंगा ग्राम इज अ जॉइंट इनिशिएटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज। उनमें जो ग्राम प्रधान थे विलेजेस के, उनको एक ओथ भी दिलाई गई है बाय सुश्री उमा भारती। गंगा ग्राम इनिशिएटिव वुड फोकस ऑन बेटर क्लीनिनेस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज लाइक सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट, रिजुविनेशन ऑफ पॉन्ड्स एंड वाटर रिसोर्सेज, वाटर कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स, ऑर्गेनिक फार्मिंग, क्रिमेटोरियम्स एंड ओवरऑल कन्वर्जेंस विद अदर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स एंड प्रोजेक्ट्स। तो ये हमने बात कही जो कि मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन की तरफ से आई है। इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है एग्जाम के लिए वो है मॉडल गंगा ग्राम इनिशिएटिव। बढ़ते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट की तरफ। तो आज है वर्ल्ड एलिफेंट डे, August 12, 2017। तो हम लोगों ने यहाँ पे गज यात्रा निकाली है टू मार्क दिस डे, अ नेशनल वाइड कैंपेन टू प्रोटेक्ट एलिफेंट्स ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड एलिफेंट डे। द कैंपेन इज प्लान टू कवर 12 एलिफेंट रेंजेस स्टेट्स। तो जितनी भी 12 एलिफेंट रेंजेस स्टेट्स हैं उनको कवर करेगा ये गज यात्रा। इन्होंने एक ऑल इंडिया सेंसस 2017 की रिपोर्ट भी निकाली है ऑन एलिफेंट्स, एज ऑल्सो दी एग्रीड पॉइंट्स ऑफ एक्शन ऑफ ट्रांस बाउंड्री कंजर्वेशन ऑफ एलिफेंट्स, जो कि हुआ है इंडर बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश, जो एक डॉक्यूमेंट है जिसका टाइटल होगा राइट ऑफ पैसेज ऑन एलिफेंट कॉरिडोर्स इन इंडिया। इन्होंने कंपाइलेशन भी निकाला है जिसका नाम है ग्लिम्पसेस ऑफ इनिशिएटिव्स टेकन फॉर एलिफेंट कंजर्वेशन इन इंडिया फ्रॉम 2012 to 2017, जो कि बनाया गया है ऑन द बेसिस ऑफ पार्लियामेंट्री क्वेश्चंस एंड रिप्लाइज बाय एनविस सेंटर, WWF इंडिया एंड द प्रोजेक्ट एलिफेंट डिवीजन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट। तो अब जान लेते हैं अबाउट वर्ल्ड एलिफेंट डे के बारे में। तो जैसे कि ये इसके नाम से ही पता लग रहा है कि इट इज डेडिकेटेड टू द प्रिजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ एलिफेंट्स। तो इसका जो गोल है वो है कि अवेयरनेस फैलाना अबाउट द प्लाइट ऑफ एलिफेंट्स एंड टू शेयर नॉलेज एंड पॉजिटिव सॉल्यूशन फॉर द बेटर केयर एंड मैनेजमेंट ऑफ कैप्टिव एंड वाइल्ड एलिफेंट्स। देखो, जो अफ्रीकन एलिफेंट्स होते हैं उनको लिस्ट किया गया है एज वल्नरेबल और एशियन एलिफेंट्स को लिस्ट किया गया है एज एंडेंजर्ड IUCN की रेड लिस्ट वाली बुक के अंदर। इसके अलावा अगर हम पॉपुलेशन का एस्टिमेट्स देखें तो 400,000 अफ्रीकन एलिफेंट्स हैं वर्ल्ड में और सिर्फ 40,000 एशियन एलिफेंट्स हैं। सो द वर्ल्ड एलिफेंट डे इज सेलिब्रेटेड टू फोकस द अटेंशन ऑफ वेरियस स्टेक होल्डर्स जो भी इसमें इन्वॉल्व हैं और जो सपोर्ट करना चाहते हैं एलिफेंट के प्रोटेक्शन में, इंक्लूडिंग इम्प्रूविंग एनफोर्समेंट पॉलिसीज टू प्रिवेंट इलीगल पोचिंग एंड ट्रेड इन आइवरी, कंजर्विंग एलिफेंट हैबिटेट्स, प्रोवाइडिंग बेटर ट्रीटमेंट फॉर कैप्टिव एलिफेंट्स and reintroducing captive elephants into sanctuaries. The elephant is part of India's animal heritage. हमारे
इंडियन हमारी एनिमल हेरिटेज के अंदर बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करता है एलिफेंट, एंड द गवर्नमेंट सेलिब्रेट्स दिस डे टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट द कंजर्वेशन ऑफ द स्पीसीज। देखो वैसे तो नेशनल वाइड पॉपुलेशन सेंसस एक्सरसाइज जो होती है एलिफेंट के ऊपर वो एवरी 5 ईयर की जाती है, बट दिस इज द फर्स्ट टाइम देन एन ऑल इंडिया सिंक्रोनाइज्ड एलिफेंट सेंसस वॉज कैरिड आउट 1 ईयर इन एडवांस। द रीजन इज दिस वॉज डन टू अवॉइड एरर्स इन एस्टिमेशन अराइजिंग फ्रॉम द सिग्निफिकेंट मूवमेंट ऑफ एलिफेंट्स अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स। तो आज जैसे कि सैटरडे था तो थोड़ी कम इन्फॉर्मेशन आई थी, आज के लिए बस इतना ही, अब मंडे मिलेंगे और PIB की इन्फॉर्मेशन लेकर। थैंक यू फॉर हैविंग मी हेयर गाइज एंड हैव अ गुड डे अहेड।